ऐसा तो नहीं है। ओके, थैंक यू, आप सबको वेलकम है इस सेशन में। मैं हमारे आदरणीय मंजूनाथ भाई जी को अपना माइक देना चाहूंगा। एक बार क्लैपिंग भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। वन मिनट कंप्लीटली वी गिव एन इंस्ट्रक्शन टू आवर माइंड टू बी साइलेंट टिल द सेशन कंप्लीट। आर यू ऑल रेडी टू बिकम मास्टर टू योर माइंड? यस। ओके, नाउ वन टेक्निक यू हैव टू अडैप्ट, जस्ट क्लोजिंग योर आईज and giving one instruction to your mind, stop and tell your mind, you are my best friend, I attend you later. Okay, you are my best friend, I attend you later. Close your eyes. Take your mind away from the distractions of sound. You are the master of your mind. Mind is my best friend. I just instruct to my friend, stop. My mind is following my instruction. I attend you later. Now my mind is ready to listen. My memory is clear. Open your eyes. Thank you. My dear students, today we are all not your trainer and student. We are all friends. Are you ready to make me your friend? Raise up your hands. You are ready to make me your friend? How you feel when you are with friend? Free. Open, right? So in this session we also have friendly communication. You're all comfort with the English, or you want me to tell you in Hindi, or you want English, mana Hindi or English, let it be Hindi and English mix up. Okay, dekho bacche, is sansar mein तीन चीजें होते हैं। जब वो खुलते हैं, ओपन होता है, तभी वो काम के आते हैं, नहीं तो वो है तो भी एक, ना है तो भी एक। वो तीन चीजें हैं। एक होता है पैराचूट, आपको मालूम है पैराचूट? अभी हर्ड अबाउट पैराचूट? कहां यूज करते हैं? When person fall in risk in the air travel, तब parachute को use करते हैं। अगर वो parachute खुलता नहीं time पर, तो सब कहाँ पड़ जाते हैं? Danger zone में पड़ जाते हैं। Are you getting my point? दूसरा है umbrella। क्या बोलते हैं? छाता। अगर छाता खोलते नहीं, बारिश आ रहे है, तो क्या होता है? यूजलेस, राइट? ऐसे ही $1 billion क्वेश्चन, अगर हमारा माइंड ओपन नहीं होता है तो किस काम के लिए होता है? कुछ भी
कुछ भी उससे यूज नहीं होता है। तो यहां के बच्चे सभी माइंड वाले हैं ना, माइंड वाले हैं ना। आप बोलते सर अगर माइंड वाला नहीं तो हम इधर क्यों आते थे, हम मेंटल हॉस्पिटल में रहते थे, राइट। तो सब माइंड वाले हैं। तो हम सभी माइंड को समझने में फेल हो गए। आप सभी इस दुनिया में देख रहे हैं किस किस बात में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। मैनेजिंग द मेन, मनी, मशीन और मटेरियल, फेल हो रहा है मन। आज के दुनिया में किस किस बात में सभी एक्सपर्ट बन रहा है? कंट्रोलिंग मैन, उसको एक पावर समझते हैं। बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो दे ऑल यूज द पावर टू कंट्रोल देयर सब्जेक्ट्स। उसके नीचे के जो स्टाफ होता है या उसके एम्प्लॉयज होता है उसको कंट्रोल करने में वो पावरफुल समझते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मशीन। आज के जमाने में सभी भी एक्सपर्ट किसमें बन रहे हैं, मशीन कंट्रोल, है ना। और कई जने किसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं, मटेरियल। कई जने मनी मैटर, ये सब में भी कंट्रोल को पावर समझ रहे हैं। लेकिन अपने खुद में भी एक अद्भुत शक्ति है, पावरफुल एनर्जी है, उसे कंट्रोल करने में सब कुछ क्या हो रहा है दुनिया में, फेल, फेल हो रहा है। यू मे बी एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग ऑल रेस्ट ऑफ द थिंग्स बट व्हेन यू आर फेल इन द अंडरस्टैंडिंग योर पावर ऑफ माइंड एंड यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड प्रॉपरली देन यू नेवर फाइंड सक्सेस इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। इसीलिए इस सेशन में हम पहले मन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं ये प्रश्न पूछता हूं बच्चे, आप सभी मुझे आंसर दीजिए। आपने बचपन से केजी स्टैंडर्ड से पढ़ते आए, बॉडी के पार्ट्स सभी आप जानते हैं, तो उसमें से बहुत पावरफुल एक पार्ट होता है, कौन सा है? माइंड के भी पीछे जाओ, मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में बोलना, ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या है, मस्तिष्क। इधर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, ब्रेन और माइंड दोनों एक है या अलग है? जो समझते एक है हाथ उठा। ब्रेन और माइंड जो समझता है अलग है वो हाथ उठा। देन यू शुड एबल टू डिफाइन मी, मन का मतलब क्या है, व्हाट इज माइंड? बुद्धि, बुद्धि को माइंड समझ लिया आपने, ओके, एज पर यूर राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग। सी डोंट क्यों एनी अदर स्कूल ऑल शुड आंसर। आई टोल्ड फर्स्ट ओनली दिस इज नॉट ओनली लेक्चर, दिस इज इंटरेक्शन, दिस इज इंटरैक्टिव सेशन, देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ अवर नॉलेज आइडियाज। एनीबडी? Is it? You will come to know. You are near to the concept, you are near to the knowledge, but you have to understand still better. Okay? No. Anyone? देखो, कई लोग मन को बुद्धि समझ लिया, कई लोग मन को conscious समझ लिया। देखो, there are various in the responses. But now today you are going to understand what is mind. Okay? So, let me make you clear. You can go further. इस दुनिया में मनुष्य के जो नॉलेज है वो नॉलेज लिमिटेड होता है, इसीलिए वो यूज कर रहे हैं फिर भी उसको जानने में फेल है। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में दो भाग होता है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकली हम
टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका रिपेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर होने से सब काम नहीं होता है। तो हार्डवेयर को यूज करना है तो क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वी कैन यूज, बट वी कैन नॉट टच। लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करते कौन है? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का काम से ही क्या चलता है? सब तरह के व्यवहार चलता है। तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है, इट इज सेम विथ रेस्पेक्ट टू द हार्ट बीट। अगर कोई डेड बॉडी है, एनाटॉमी जो स्टडी करता है, आपको मालूम है इन मेडिकल साइंस एनाटॉमी होता है, वो लेयर करके बॉडी के सब पार्ट्स को भी वो खोजते, रिसर्च करते, उसको कट करते, यू मीन उसमें कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं होता है। क्यों? हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन उसमें कुछ भी एक्शन नहीं होता है। व्हाई? सॉफ्टवेयर नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर का काम करता है शरीर, और शरीर में भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहते हैं ब्रेन। उसको क्या कहते हैं? ब्रेन। जो ब्रेन है वो अकेला कुछ नहीं काम कर सकता है। जो भी हम सोचते हैं वो ब्रेन से नहीं आता है, बट द इंपल्सेस आर पासिंग फ्रॉम द ब्रेन टू बॉडी। ब्रेन के सपोर्ट से बॉडी में इंपल्स आता है, लेकिन वो ब्रेन को जो इंपल्सेस भेजता है ना, वो है माइंड। वो माइंड इस शरीर में, ब्रेन में कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जैसा काम करता है। जब तक आदमी के ब्रेन जो है वो यूज होना है, तो मन रूपी सॉफ्टवेयर उसमें क्या होना है? काम करना है ना। तो टिल यू गेट रेडी, आई हैव टू डू समथिंग।